हेलो दोस्तों, मैं संगा और आज मैं आपको बताऊंगी कि जब लड़की ये काम करने लगे ना तो वो आप में इंटरेस्टेड है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। देखो दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी अलग है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे काम बताऊंगी जो रेयर लड़कियाँ ही करती हैं, हर कोई नहीं करती है, बस कुछ जरूर करती हैं जो आपके लिए ट्रू फीलिंग रखती है, जिसके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार होता है। तो इसके लिए वीडियो को एंटर जरूर देखिए, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर एक लड़की के दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग है, ठीक है, तो वो उस रिश्ते को पूरी तरह से समझने लगेगी, वो यानी कि आपको समझने लगेगी। एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना एक रिश्ते में, कि बिना बोले ही आपकी एक्सपेक्टेशन पे, आपकी उम्मीदों पे खरे उतरना, ठीक है। और यही चीज़ होती है सच्चे प्यार में। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ज़्यादातर रिलेशनशिप में उनको अपनी इच्छाओं के लिए बोलना नहीं पड़ता, सामने वाला पर्सन जो है ना खुद उनकी इच्छाओं को अब समझ लेता है, उनके बिहेवियर से, उनके एक्सप्रेशन से, कि सामने वाला बंदा जो है या बंदी चाहती क्या है, ठीक है, चाहता क्या है। तो अगर एक लड़की आपको समझ रही है, उसकी समझदारी जो है ना आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हो कि उसके दिल में आपके लिए अलग जगह बन चुकी है, ठीक है। दूसरा काम कि जब वो आपका साइड लेने लगे, आपका फेवर करने लगे। देखो वैसे तो मोस्टली लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, अगर एक लड़के की फेवर लेने की बात हो ना तो वो साइड हो लेती है, अपने हाथ खड़े रखती हैं कि मेरा काम नहीं है, तुम खुद सोच लो। लेकिन ग्रुप में कोई बात हो रही हो, ठीक है, और लड़की जो है आपका साइड ले रही हो, आपके बचाव में आपके साइड लेकर दूसरे से डिबेट कर रही है, दूसरी लड़कियों से डिबेट कर रही है, आपके अपने ग्रुप से डिबेट कर रही है, मतलब बहस कर रही है, आर्ग्यूमेंट कर रही है कि आप सही हो, तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि उस लड़की के लिए आप खास हो, ठीक है। आप खास हो इसलिए वो आपके लिए दूसरों के सामने लड़ रही है, यानी कि अपने दोस्तों से आर्ग्यूमेंट करती है, बहस करती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आपको उस लड़की में नोटिस करनी है कि अगर उसके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग है ना, अगर वो आपके लिए कुछ अलग फील करने लगी है तो वो आपकी माँ बनने लगेगी। मतलब कि जिस तरह से वो आपकी केयर करती है, उसका आपका केयर करना, हर चीज़ का ध्यान रखना, आप ठीक ठाक हो या नहीं हो, कॉल या मैसेज के थ्रू बात होती है, तो ज़्यादातर आपके बारे में जानने की कोशिश करती है, मिलती है तो भी वो आपके बारे में जानने की कोशिश करती है। तो इससे भी आप पता कर सकते हो उस लड़की के दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं जगह बन चुकी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर एक लड़की आपको पसंद करती है तो उसके अंदर आपको जलन भी बहुत ज़्यादा दिखने लगेगी, ठीक है, क्योंकि प्यार में ऐसा ही होता है, प्यार में इंसान थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोसेसिव हो जाता है, एक्स्ट्रा उसके अंदर जलन आ जाती है। और अगर एक लड़की और आपके बीच में थोड़ी सी जलन टाइप की है, मतलब लड़की आपको बांटना पसंद नहीं कर रही है, जब आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, आप किसी और लड़की से बात कर रहे हो, ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो जेलस होती है, उसे जलन महसूस होती है, अंदर से वो जल बनकर राख हो जाती है। तो इससे ही आप पता कर सकते हो उस लड़की के दिल में आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार है, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो खोना नहीं चाहती है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ अगला काम है कि अगर लड़की बार बार अपने काम को छोड़कर आपको प्रायोरिटी देती हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे कि उसकी सहेली ने कॉल किया कि आज वहाँ चलना है या मार्केट चल रही है, लेकिन उस टाइम पे वो आपसे बात कर रही है, ठीक है, आपने उसको बोला कि हाँ इतने देर तक मैं फ्री हूँ, ठीक है, तो वो उस टाइम में अपने दोस्त को बोल के नहीं मैं काम कर रही हूँ, वो आपका साथ देना ज़्यादा पसंद करती है, आपसे बात करना ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि वो लड़की आपको पसंद करने लगी है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ देखेंगे।